हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केवता कोचिंग इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, हमने सर्कल्स के दो पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं, ये सर्कल्स का तीसरा पार्ट है। तो तीसरे पार्ट में हम क्वेश्चंस को करा रहे हैं। अगर इसके बेसिक नहीं देखे हैं तो जाकर के बाकी दो पार्ट में देख सकते हैं इसके बेसिक्स को। तो चलिए देखते हैं इसके पांचवें क्वेश्चन को। लिखा है द एरिया ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट 1, 2 एंड पासिंग थ्रू 4, 6। करा इस सर्कल का हमको एरिया निकालना है। तो सर्कल का एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान पता है सबको, ये पाई में दिया ही है विकल्प में। तो आर की वैल्यू हमको निकाल लेना है, यानी रेडियस निकालना है हमको। और इसका सेंटर दिया है 1, 2 और ये 4, 6 से पास हो रहा है। तो हम सर्कल एक ड्रा करेंगे पहले। तो एक सर्कल ड्रा कर लेंगे और इसमें हम दिखा देंगे सेंटर को। ये मान लें सेंटर है 1, 2 और ये पास हो रहा है 4, 6 से। तो अगर सेंटर और जो पास हो रहा है इसके डिस्टेंस निकाल लें तो ये हमको रेडियस मिल जाएगा। तो रेडियस का फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब 4 - 1। 4 में से 1 को माइनस करेंगे और प्लस y2 - y1। y2 को मानेंगे 6 और y1 हो जाएगा 2। तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे और होल स्क्वायर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे तो 9 + 16 ऐड करेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5। अब हमको एरिया निकाल लेना है। एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आ गया 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये बन जाएगा 25 पाई। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और ये पीजीटी 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जितने क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं सब कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है यूपी टीजीटी और पीजीटी में, और भी अन्य जगहों के क्वेश्चन है। इसके बाद जो भी संभावित क्वेश्चन होंगे वो सब हम एग्जाम आने पर उसके टाइम पर इसको सॉल्व कराते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये छठवां क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस द लाइन x = 0, y = 0 एंड x = 4। कह रहा है सर्कल का इक्वेशन बताइए जो कि इससे ये टच करता हो। तो पहले हम एक बनाएंगे एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हो जाएंगे अक्ष एक्स और वाई। इसमें हम सर्कल को ड्रा करेंगे और ये कह रहा सर्कल x = 0 और y = 0 से ये टच कर रहा है, मतलब कि ये लाइन से टच करेगा। ये लाइन से टच करेगा क्योंकि x की वैल्यू 0 है और x = 0 का मतलब होता है इस y एक्सिस को टच करेगा। ये यहां पर x की वैल्यू 0 होती है और यहां पर y की वैल्यू 0 होता है। और दिया है x = 4, तो x = 4 का मतलब है कि ये यहां पर 4 तक ये जाकर टच कर रहा है, ये मतलब कि इसका जो डायमीटर हो जाएगा वो बन जाएगा 4। तो इसका जो रेडियस होगा वो इसका आधा हो जाएगा 2। तो इधर से जब रेडियस 2 है तो इधर से भी 2 होगा, मतलब कि जो इसका सेंटर बनेगा वो 2, 2 बन जाएगा। मतलब एच और के की जो वैल्यू आ गई सेंटर वो 2, 2 आ गया और जो रेडियस है वो आ गया 2। तो जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल का उसके माध्यम से हम इक्वेशन को निकाल सकते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है x - h, h की जगह पर 2 का होल स्क्वायर प्लस y - k की जगह पर 2 का स्क्वायर = r² यानी 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो x² + 4 - 4x + y² + 4 - 4x = 4। 4 से 4 को एक हम कैंसिल कर देंगे और जो बचेगा उसको हम व्यवस्थित कर लेंगे। तो x² + y² - 4x, यहां पर ये वाई होगा, -4y + 4 = 0। अब ये जिस ऑप्शन में होगा वही सही हो जाएगा। तो देखेंगे तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है डी, ये सही हो जाएगा हमारा x² + y² - 4x - 4y + 4 = 0। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी टीजीटी 2003 में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व हो गया ये। अब देखेंगे सातवें क्वेश्चन को। सातवां क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0, 0 ये 0 एंड 0b इज। करा सर्कल का सेंटर ज्ञात कीजिए जो कि 0, 0 ये 0 और 0b से ये पास हो रहा है। तो क्या काम करेंगे हम, वही सिस्टम ये भी रहेगा इसमें भी। 0, 0 का मतलब ये ओरिजिन से होकर के जाता है। तो पहले इसका हम ग्राफ बनाएंगे। ये सेंटर जो जा रहा है वो ओरिजिन से होकर के जाता है, यानी मूल बिंदु से जा रहा है। ये मूल बिंदु हो जाएगा, तो मूल बिंदु पर हो जाएगा 0, 0 और दिया है ये 0 का मतलब x की वैल्यू है ये और y की वैल्यू यहां पर होगा 0 और 0b का मतलब होता है x की वैल्यू 0
और वाई की वैल्यू बी, इस तरह से हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो सेंटर के जो ये सर्कल बना हुआ है, सर्कल का जो पॉइंट है चारों, उसमें 90 डिग्री का कोण भी बन रहा है। अगर 90 डिग्री का कोण इसमें बनेगा तो इसका मतलब जो इसके दोनों सिरे होंगे वो बनाएंगे इसका डायमीटर, और जब ये डायमीटर बनाएंगे तो उस डायमीटर का मिड पॉइंट इसका सेंटर हो जाएगा। तो मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला पता होगा, दोनों को ऐड करेंगे और इसको डिवाइड आधा कर देंगे, दो से डिवाइड कर देंगे, तो जीरो प्लस ये अपान टू, ऐसे ये हो जाएगा बी प्लस जीरो अपान टू। तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो आएगा जीरो प्लस ए का मतलब ए बाई टू और ये हो जाएगा बी बाई टू, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी है, ग्राफ बनाएंगे ओरिजिन पे दिखाएंगे और जो जो इसमें पॉइंट दिए हैं उसको दिखा देंगे और डायमीटर बनेगा, डायमीटर का मिड पॉइंट सेंटर बनेगा यानी एच के, और इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे, आराम से हमारा सर्कल का सेंटर आ जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, आठवां क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस 3x plus 4y equal to 7 and pass through 1 minus 2, 4 minus 3, ये दिया हुआ है। कह रहा कि सर्कल का इक्वेशन ज्ञात कीजिए जो कि 3x plus 4y equal to 7 को टच करता है ये, और 1 कामा माइनस 2 और 4 कामा माइनस 3 से होकर गुजरता है। ये क्वेश्चन पीजीटी 2011 में आया हुआ है। अगर इस क्वेश्चन को हम डिटेल से लगाएंगे यानी बेसिक से लगाएंगे तो बहुत ही लंबा जाने वाला है, टाइम बहुत बर्बाद करेगा, पर एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है कि इसको हम डिटेल से लगाएं। तो इसकी सार विधि यही है कि यदि पासिंग थ्रू दिया हो तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट को अगर हम इसमें रख के सेटिस्फाइज करा लें तो जो इसमें इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वही समझो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो बी को हम सेटिस्फाई कराएंगे पहले, 15x की जगह 1 का होल स्क्वायर प्लस 15y की वैल्यू है माइनस 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर, और माइनस 94x की वैल्यू 1 और प्लस 18y की वैल्यू माइनस 2 प्लस 55। इसको सॉल्व कराएंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, ये माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 का 15 से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 60, ये 94 का 1 से मल्टीप्लाई 94, ये आ जाएगा माइनस 36 और ये वैसे रहेगा 55 ही। इसमें माइनस माइनस को अलग ऐड करेंगे और प्लस प्लस वाले को अलग ऐड करेंगे, तो प्लस वाले को पहले ऐड करें, 5 और 5 ये हो जाएगा 10, 1 1 2 2 और 5 7, 7 और 6 13, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 4 आ जाएगा 10, 9 3 12 और 1 13, ये दोनों कट गया तो आ जाएगा 0। देखिए ये सेटिस्फाई हो गया बी वाला, तो बी ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही है। अगर 4 माइनस 3 को इसमें रखेंगे हम वैल्यू को तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, बाकी सेटिस्फाई नहीं करेंगे, लेकिन जब दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो तभी माने कि हाँ ये ऑप्शन सही है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक हमारा पॉइंट दिया है ये दो दो या तीन ऑप्शन में सेटिस्फाई कर जाते हैं, तो जब तक दोनों सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक ये सही नहीं होगा। तो इसको चेक कर लीजिएगा, इसका ऑप्शन भी सही है। अगला देखेंगे 9 वाले क्वेश्चन को, लिखा द रेडियस ऑफ द सर्कल 3x ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 3y ब्रैकेट में y प्लस 1 इक्वल टू 4 इज। हमको सर्कल का रेडियस बताना है यानी त्रिज्या हमको बतानी है सर्कल का, तो ये सर्कल का इक्वेशन भी दिया हुआ है और ये पीजीटी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर, 3x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 6x, 3y को y से करेंगे तो आएगा 3y स्क्वायर, 3y को 1 से करेंगे तो आएगा 3y इक्वल टू 4। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3y इक्वल टू 4। इसमें हम सभी को 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि x और y ये एक होना चाहिए, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2x, अब ये आएगा सिर्फ y इक्वल टू ये आ जाएगा 4/3। अब इसमें हम रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि रेडियस का जो फार्मूला होता है वो होता है r इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे आराम से आ जाएगा, यहां से g की वैल्यू जो हो जाएगा उसको हम आराम से निकाल सकते हैं माइनस एफ करके, ये माइनस टू दिया हुआ है तो इसको हम लिखेंगे दो से डिवाइड कर देंगे तो आएगा एक, चिन्ह को बदलेंगे तो प्लस, यानी जी की वैल्यू आ जाएगी एक, तो एक का स्क्वायर, ऐसे एफ का हो जाएगा एक बटे दो
इसका स्क्वायर, और सी की वैल्यू हो जाएगा 4/3, तो इसको बाई वो ले आएंगे तो सी की वैल्यू हो जाएगी -4/3। तो यहां जब -4/3 रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, इसको सॉल्व करेंगे हम तो 1+1/4 प्लस हो जाएगा 4/3। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो -1, इसको एलसीएम ले लेंगे हम तो आ जाएगा 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, इसको डिवाइड करेंगे 12 को 4 से तो 3 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, ये हो जाएगा 16, इसको ऐड कर देंगे तो इसको ऐड जब करेंगे तो कितना आएगा 6 9 9 2 11 1 आया, 1 1 2 2 1 3 यानी 31/12, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका बी। तो ये बहुत ही आसानी से आ गया और ये क्वेश्चन पीजीटी 2005 में आया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर। अगला क्वेश्चन है सेंटर ऑफ द सर्कल आर स्क्वायर इक्वल टू 2 -6r cos θ + 4r sin θ इज, हमको इस सर्कल का निकालना सेंटर। ये पीजीटी 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आर स्क्वायर का मान पता होगा x² + y², ये इसमें जो दिया है r cos थीटा और यहां दिया है r sin थीटा। इसमें पता है कि r cos थीटा को हम क्या कहते हैं x और r sin थीटा को कहते हैं y, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आएगा -2 6x और प्लस हो जाएगा 4y, ये इतना इसका मान बन जाएगा। अब इन सभी को हम बाई ओर ले आएंगे, इसको जब बाई ओर लाएंगे तो हमारा क्या वैल्यू बन जाएगा, ये हो जाएगा x² + y² और +6x - 4y और 2 को बाई ओर लाएंगे तो आएगा -2 = 0। अब इसमें हमको निकालना है सेंटर, तो सेंटर को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सेंटर होता है एच के होता सेंटर, और एच की वैल्यू निकालने का आसान तरीका -g और -f को निकालने आ जाएगा आराम से। तो हम x वाले को और y वाले को सिर्फ इसमें देखेंगे, ये 6 लिखा है, 6 का आधा करेंगे तो आएगा 3, साइन को चेंज करेंगे 4 का आधा करेंगे 2 आएगा और साइन को चेंज करेंगे तो वैल्यू आ गया -3 और 2, -3 2 हमारा हो जाएगा इसका सेंटर। तो 10वां भी आ गया क्वेश्चन और ये 2004 पीजीटी में आया हुआ था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी हम चैप्टर वाइज एक एक स्टेप लेकर के सॉल्व कराते रहेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहिए, अच्छे से देखें समझें और इसको शेयर करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।